हेलो व्यूवर्स, रसोई का आनंद चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एकदम बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। इस एक रेसिपी से हम 3 डिशेस बना सकते हैं। इस तरह से भून के आप एग मसाला की तरह से भी इसको भी खा सकते हैं। अगर इसमें बॉयल पानी डाल के 5 मिनट बॉयल करेंगे तो आपकी एग करी बन जाएगी, और अगर आप इसको बॉयल राइस डाल के और इसको बरिस्टा से अच्छी तरह से गार्निश करेंगे तो वो दम बिरयानी बन जाएगी, एक दम बिरयानी। तो इस तरह से आप 3 डिशेस एक रेसिपी से बना सकते हैं, और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट बनती है, और ये बैचलर्स भी इसको बना सकते हैं। इतनी सिंपल रेसिपी है ये। चलिए इसको बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैंने भारी तले का एक पैन लिया है, उसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ जिसमें हम बरिस्टा बनाएंगे। जब तक ऑयल गर्म होता है, मैंने 2 कप चावल लिए हैं इस कप से नाप के। इनको अच्छी तरह से धो के ज़्यादा पानी डाल के इसमें बॉईल करने के लिए रखा है, क्योंकि हमें चावलों को बॉईल करना है। और इसमें मैं 1 चम्मच नमक डालूँगी, जिससे कि राइस में भी हल्का सा नमक का फ्लेवर आ जाए। अब इसको मैं दूसरी गैस पर रख दूँगी, और अब मैं 1/4 कप दूध में थोड़े से केसर के धागे डाल रही हूँ। कुनकुना दूध है ये, इसमें डाल के मैं साइड में रख दूँगी ताकि सैफ्रन इसमें अच्छा कलर छोड़ दे। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैं 3 प्याज को इस तरह से पतला पतला लंबा काट के फ्राई कर लूँगी। हम बरिस्टा बना रहे हैं, बरिस्टा बनाते समय इसको लगातार हिलाना है, और गैस की फ्लेम हमारी हाई रहेगी, फ्लेम को कम नहीं करना बिल्कुल भी। तेज आंच पर इसको लगातार चलाते हुए इस तरह से हम भूनेंगे तो इसमें देखिए बिल्कुल अच्छा कलर आ जाएगा। एक बिल्कुल भी प्याज में इवन कलर आएगा अगर आप लगातार हिलाएंगे तो। अब इसको मैं एक छन्नी में निकाल लूँगी। जितना टाइम भूनने में प्याज लगता है, उससे कम टाइम में हमारा ये बरिस्टा तैयार हो जाएगा। और आप ये बरिस्टा बना के इसको एयरटाइट डब्बे में डाल के रख भी सकते हैं, 2-3 दिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उससे आपकी रेसिपी और ज़्यादा जल्दी बनेगी। इसको छन्नी में मैं डाल दूँगी ताकि सारा ऑयल निकल जाए। व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अब मैं इस बरिस्टा को एक प्लेट में डालूँगी, और इसको मैं चम्मच से थोड़ा फैला दूँगी ताकि इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और ये थोड़ा ठंडा हो जाए, नहीं तो इसमें और ज़्यादा कलर आ जाएगा जो उसके टेस्ट को ख़राब कर देगा। ये देखिए, इस तरह से फैला के मैं साइड में रख दूँगी तो हमारा बरिस्टा ठंडा हो जाएगा। अब मैं एक बाउल में 1.5 चम्मच धनिया पाउडर ले रही हूँ, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर लिया है मैंने, 2 टीस्पून मैं इसमें देगी मिर्च का पाउडर ले रही हूँ जो इसमें बहुत अच्छा कलर देगी, 1 चम्मच कोकोनट का पाउडर लिया है मैंने, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 छोटी चम्मच अदरक का पाउडर लिया है, नहीं तो आप अदरक को 2 इंच अदरक को ग्रेट करके डाल सकते हैं, 2 चम्मच मैं इसमें बिरयानी मसाला डाल रही हूँ। अगर आप 3 अंडे की बना रहे हैं तो आप 1 चम्मच डालिए। 1/2 चम्मच मैंने हींग का पाउडर डाला है। अब इनमें मैं 1/4 कप पानी डाल के सब मसालों को अच्छी तरह से मिला दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से इसमें फूल जाएं, और बिगनर्स बनाते हैं तो उनका मसाले जलेंगे नहीं इस तरह से, क्योंकि साथ साथ मसाले डाल के साथ साथ हमें चलाना होता है। तो ये इस तरह से सब मसालों को बना दें तो एक तो सब फ्लेवर्स मिल जाएंगे, मसाले हमारे फूल जाएंगे, और मसाले जलेंगे नहीं जब हम इसको ऑयल में डालेंगे। अब हम अपने चावल देख लेते हैं। ये देखिए, हमें इस स्टेज तक ही इनको पकाना है जब इसमें हल्की सी बाइट है। पूरा बहुत अच्छी तरह से इसको बॉयल नहीं करना है, क्योंकि हम इसको बाद में दम पे भी पकाएंगे। चावल को मैंने छन्नी में डाल के रख दिया है। अब जिस ऑयल में हमने प्याज को फ्राई किया था वही ऑयल मैं 2 टेबलस्पून ले रही हूँ, क्योंकि उसमें ऑयल का फ्लेवर है।
इसमें मैंने 10 कलियां लहसुन की मोटा मोटा काट के डाली हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं जो हमने सोक करके मसाले रखे थे सारे वो डाल दूंगी। इस समय में हमारी गैस की फ्लेम लो रहेगी ताकि हमारे मसाले जले नहीं, और जब तक इसमें से अच्छी खुशबू आएगी और मसाले ऑयल रिलीज़ कर देंगे तब तक 1 से 2 मिनट में इसको भूनूंगी। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से ये भून चुका है। अब इसके अंदर मैं 1 कप हाइब्रिड टमाटर को ग्रेट करके मैंने लिया है, आप मिक्सी में मैश भी कर सकते हैं। अब मैं टमाटर को भी मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह से भून लूँगी। इसको भूनने में भी 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने इसको ग्रेट कर लिया है टमाटर को, तो इसकी भुनाई बहुत जल्दी हो जाती है। इसको लगातार हम चलाएंगे। जब हमने मसाले डाले हैं उस समय में हमने नमक इसमें नहीं डाला था। जैसे ही टमाटर भुन जाएंगे अच्छी तरह से, आप देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह से ऑयल रिलीज़ कर दिया है मसालों ने और टमाटर ने, ये साइन होता है कि हमारे टमाटर भी अच्छी तरह से भुन चुके हैं। इस समय में मैं 1 चम्मच नमक डालूंगी और अच्छी तरह से इसको भी चला दूंगी। मसाला बनाने के बाद और थोड़ा सा चावल में भी आप एक बार नमक चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप थोड़ा बहुत चाहिए तो आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से हमारी मसालों की भुनाई हो चुकी है। अब मैं 3/4 कप जितने भी हमारा प्याज है 3/4 पोर्शन तो मैं इस मसाले में डाल दूंगी और 1/4 पोर्शन मैं बचा के रखूंगी बरिस्टा को, आगे जाके हम इसका यूज़ करेंगे। अब मसाले के साथ प्याज को हम डालेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से 1 मिनट में ही मसाले के अंदर प्याज बिल्कुल भुन जाएगा क्योंकि हमने पहले से इसको फ्राई करके रखा है और हमारी कुकिंग टाइम भी बचेगा और बहुत क्विक बनेगी हमारी रेसिपी। अब मैंने 2 टेबलस्पून फैट के दही डाला है इसके अंदर। दही को फैट के ही डालना है और इसके अंदर मसाले डले हुए हैं तो हमारा दही बिल्कुल फटेगा नहीं, और दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। मैंने फ्रेश दही लिया है, ये देखिए दही भी बहुत अच्छी तरह से इसमें मिल चुका है। अब इसके अंदर मैंने बॉईल किए हुए 6 अंडे डाल दिए हैं और मसालों के साथ इसको भी मैं चलाते हुए सिर्फ 1 से 1.5 मिनट भूनूंगी ताकि मसालों में अंडे अच्छी तरह से कोट हो जाएं और उनके ऊपर अच्छे से मसाला लग जाए। अब इसके अंदर मैं 1/4 कप घर की मलाई डाल रही हूँ। दही और मलाई डालने का ये रीज़न है कि जब हम दम बिरयानी बनाएं तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं बने, थोड़ा उसमें मॉइस्चर रहे तभी हम खा सकते हैं उसे। उसको खाने के लिए आप साथ में रायता भी बना सकते हैं, या अगर आप नॉनवेज खाते हैं और आप इसके साथ चिकन या मटन की ग्रेवी भी ले सकते हैं। वैसे मैंने इसमें दही और मलाई डाला है तो ये बहुत मॉइस्ट बनेगी, आपको ड्राई नहीं लगेगी खाने में। अब इसके ऊपर बॉईल किए हुए छन्नी में जो हमने राइस डाल दिए थे, छन्नी में मैंने फैला दिया था इनको, ये देखिए बिल्कुल एक एक दाना अलग है हमारे चावल का। अब बॉईल किए हुए चावल की मैं इसके ऊपर एक अच्छी तरह से लेयर लगा दूंगी, ये आप देख सकते हैं। इस समय हमारी गैस की फ्लेम बिल्कुल लो है, पूरे चावल को अच्छी तरह से फैला दूंगी मैं इसके ऊपर। चावल को अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर मैं सबसे पहले थोड़ा बरिस्टा डालूंगी, तले हुए प्याज जो हमने रखे थे थोड़े से वो डालूंगी, केसर वाला दूध डालूंगी ताकि हम इसको जब दम देंगे तो ये नीचे से लगेगा अभी नहीं चावल और इसमें खुशबू बहुत अच्छी आएगी। उसके ऊपर बाकी बचा हुआ बरिस्टा डाल दूंगी, थोड़े से पुदीने के पत्तों को मैं इस तरह से तोड़ के हाथ से डाल रही हूँ जो इसमें बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर देता है पुदीना। आप इस समय में धनिया भी डाल सकते हैं या धनिया पुदीना दोनों थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं, और कटी हुई थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची भी इसमें 2 डाल दी है। और इसको अब हम ढक देंगे और पैन के नीचे मैं एक तवा रखूंगी क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा हीट नहीं देनी, बिल्कुल स्लो हीट पर हमें इसे दम देना है। तो इसके लिए मैं इसके
पैन को उठाऊंगी और गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दूंगी। गैस की फ्लेम लो करने के बाद ये देखिए अभी हाई है, इसको मैं लो कर दूंगी तवा रखने के बाद। और इसको अब मैं पकाऊंगी 10 मिनट के लिए तवे पर बिल्कुल लो हीट पर, ताकि इसमें बहुत अच्छी तरह से दम लग जाए बिरयानी में। 10 मिनट बाद मैं तवा बंद कर दूंगी गैस को फ्लेम ऑफ करने के बाद। 5 से 7 मिनट बाद मैं इसको खोलूंगी। आप देख सकते हैं एकदम बहुत अच्छी तरह से हमारी बिरयानी में दम लग चुका है, ये देखिए। और इसके आप कलर्स देख सकते हैं और पूरी किचन में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए बहुत अच्छे से ये बन चुके हैं। इसको मैं हल्का सा मिक्स कर दूंगी। आप इसे बनाइए, खाइए, इसका आनंद लीजिए। धन्यवाद।